डॉक्टर ने कह दिया प्रीता को कि सृष्टि चली गई कोमा में, और सृष्टि कहीं नहीं गई है बल्कि जिंदा है। इसकी बड़ी खबर आई है, और वो खबर क्या है ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और बाजू के बेल आइकन को भी दबा दें। जब प्रीता होश में आते ही अपने आप को लूथ हाउस में पाएगी, तभी प्रीता को राजवीर की कही हुई बातें याद आएगी, जिस वजह से प्रीता अपनी छोटी बहन सृष्टि के लिए लूथ हाउस में किसी को भी पता ना चले ऐसे पीछे के रास्ते से हॉस्पिटल चली जाएगी। जहाँ पर जब करण अपने कमरे में प्रीता को देखने आएगा, तभी प्रीता करण को कहीं दिखाई नहीं देगी और करण को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर जब करण पूरे लूथ हाउस में प्रीता को ढूंढेगा और प्रीता पूरे घर में कहीं भी नहीं मिलेगी, तभी करण गुस्से से नीचे जाएगा, और नीचे जब राखी माँ करण को परेशान होते हुए देखेगी और राखी माँ करण को कहेगी कि करण क्या हुआ, तभी करण कहेगा प्रीता कहीं नहीं मिल रही। और तभी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ पर सृष्टि जब आग में जल रही होगी और सृष्टि निधि से डर कर चिल्लाएगी और कहेगी कि बचाओ निधि, मुझे छोड़ दो, मेरी दीप प्रीता की याददाश्त जा चुकी है, वो तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएगी, मुझे बचा लो। तभी सृष्टि की अचानक से आंखें खुल जाएगी और ये सब सृष्टि का सपना निकलेगा, और सृष्टि होश में आकर तुरंत बेहोश हो जाएगी और कोमा में निधि के राज को दफन करके हमेशा के लिए चली जाएगी। और प्रीता जब हॉस्पिटल पहुंचेगी और राजवीर को अपने सामने देखेगी और कहेगी कि राजवीर मेरी बहन सृष्टि कहाँ है, तभी राजवीर सृष्टि के केबिन को दिखाकर प्रीता को कहेगा यहाँ पर है, सृष्टि माँ को होश ही नहीं आ रहा। यह सुनकर तभी प्रीता अचानक से चिल्लाकर कहेगी क्या के डॉक्टर कहाँ पर है, मेरी बहन बहुत बहादुर है तो उसे होश क्यों नहीं आ सकता, आप लोगों ने किस तरह इलाज किया। यह सुनकर तभी नर्स प्रीता को कहेगी मैं तो नर्स हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तभी यह सुनकर नर्स जब डॉक्टर को बुलाने के लिए जाएगी, तभी प्रीता भगवान की मूर्ति के सामने सृष्टि को बचाने की प्रार्थना करेगी। जहाँ पर जब राजवीर अपनी माँ प्रीता के पास आएगा और प्रीता को कहेगा माँ आप इस तरह उदास मत होइए, मैं आपके साथ हूँ, तभी यह सुनकर प्रीता राजवीर की आंखों में आंखें डालकर राजवीर के कंधे पर अपना सर रख के सृष्टि सृष्टि कहकर रोएगी। जहाँ पर तभी जब डॉक्टर राजवीर और प्रीता के पास आएगी, तभी डॉक्टर राजवीर और प्रीता को कहेगी कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आपकी बहन सृष्टि कोमा में जा चुकी है, शी इज इन कोमा। यह सुनकर प्रीता को काफी बड़ा शॉक लगेगा और प्रीता डॉक्टर को कहेगी आप मजाक कर रही है ना कि मेरी बहन कोमा में जा चुकी है, वो कोमा में नहीं गई है, मेरी छोटी बहन मुझसे बहुत ज्यादा बहादुर है। ये जब प्रीता कहेगी तभी उसी वक्त वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि हॉस्पिटल में निधि आ जाएगी, और निधि प्रीता के मुंह से सृष्टि के कोमा में जाने की बात सुन लेगी, और निधि इस खबर से काफी ज्यादा खुश हो जाएगी, और निधि अपने मन में कहेगी कि चलो ठीक है, अब यह सृष्टि जिंदा लाश बन के कभी होश में नहीं आएगी, मेरे लिए ही अच्छा है। और मन में सोचती हुई निधि कहेगी कि अगर मैं अभी उस सृष्टि को मारने जाती तो मैं अभी पकड़ी जाती, लेकिन भगवान को तो देखो वो कैसे मुझ पर दया दिखा रहा है, मेरे हाथों सृष्टि को मौत देने के बजाय उसे कोमा में ही डाल दिया और मेरा काम और सरल यानी कि इजी कर दिया, आपका भगवान लाख लाख शुक्र हो, ये सब निधि कहेगी। और लेकिन आपकी प्रीता की बहन सृष्टि हमेशा के लिए शो छोड़कर नहीं जाएगी बल्कि कोमा में जाएगी, तो आप इस खबर से कितने ज्यादा खुश हैं, और प्रीता को ऐसी निधि से बदला लेना चाहिए क्या नहीं, और प्रीता को निधि की असली सच्चाई पूरे लूथा परिवार के सामने लाकर निधि को घर से बाहर निकाल देना चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।